हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीएसएस में टाइप ऑफ सीएसएस। सीएसएस की थ्री टाइप्स होते हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, लेट्स सी एग्जांपल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, टाइप ऑफ सी एस एस। हेडिंग टैग में लिया हुआ है, चेक कर लेते हैं कि ये ब्राउज़र पे कैसे दिखता है। इसका रिव्यू देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सी एस एस। अब मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में दिखे और फॉन्ट साइज़ बड़ा होना चाहिए, तो हम एक यहाँ पे स्टाइल टैग देखेंगे, स्टाइल टैग ऐड करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, फॉन्ट साइज 45 पिक्सल्स। कलर चेंज कर देते हैं, कलर है रेड। इस सी एस एस को, ये जो सी एस एस है, इसे हम इनलाइन सी एस एस कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया इनलाइन सी एस एस। लेट्स एग्जाम्पल। अब सेकेंड है हमारा इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस के लिए हम एक हेड के ऊपर एक स्टाइल टैग लिखेंगे, स्टाइल, क्लोजिंग स्टाइल। अब हम यहाँ पे H1 डायरेक्ट टैग को या क्लास को हम सी एस एस लिख सकते हैं। डायरेक्ट यही सी एस एस उठा के हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ से सी एस एस हटा दिया है, ये क्लास सी एस एस यहाँ पे टैग यूज किया हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी, इस सी एस एस को इंटरनल सी एस एस बोलते हैं। इससे हमें यहाँ ड्रीम व्यूअर में यहाँ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई सोर्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इजीली। ये है हमारा इंटरनल सी एस एस। अब हमारा थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी एस एस है हमारा। एक फाइल लेंगे सी एस एस की। अब ये सी एस एस को डायरेक्ट हम यहाँ से कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे और हम इस सी एस एस में ऐड कर देंगे। अब इसको हम सेव कर देते हैं एक सी एस एस में, स्टाइल के नाम से, स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, अब हम इसे यहाँ पे लिंक कर देते हैं, लिंक ये चाह रहे। ये है टाइप सी एस एस जी। क्लोजिंग चेक करते हैं, अब यहाँ से दिख रहा। अगर सपोज यहाँ पे मैंने ये फाइल हटा दिया, यहाँ पे ये हमारा सी एस एस हट गया। अब ये स्टाइल का फुल्ली फाइल बनाया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। इससे मैं एक ही क्लास को पूरे पेज में या 10 पेज में इजीली या पूरे प्रोजेक्ट में इजीली अप्लाई कर सकती हूँ। इसलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।